हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं खेत के अंदर आया हूँ और खेत के अंदर आप देख सकते हो कि ये ट्यूबवेल है और ये ट्यूबवेल करीबन 700 फीट तक खुदाई की है, लेकिन ये जो ट्यूबवेल है वो अभी सक्सेस नहीं हुआ है, ये अनसक्सेस हुआ है। क्योंकि इसका विजन ये है कि ये 700 फीट तक खुदाई करने के बाद भी इसके अंदर पानी नहीं हुआ है। वो इसमें हुआ ये है कि जब हम घर पे थे तो इन लोगों ने ट्यूबवेल बनाया और इसके पता है इसके अंदर कितने मेहनत लगती है, करीबन 15 या 20 दिन लगे होंगे। इसके बाद जब पानी नहीं हुआ तो ये लोग क्या किया कि हमारे पास आए, जब वीडियो देखी थी हमारी सबसे पहले हमने डाली थी तो देखिए उन लोगों ने हमको बुलाया यहाँ पे और उन लोगों ने चेक करवाया, तो हम श्रीफल लेके आए थे और यहाँ चेक किया, तो इससे क्या क्या हुआ कि यहाँ पर आया तो बोले श्रीफल बिल्कुल यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, कोई जानकार है तो उसे बुलाइए, कोई पंडित है उसे भी बुलाइए, कोई मना नहीं, लेकिन फिर भी एक बार इस ट्रिक का उपयोग खुद कीजिए। लेकिन ये जो ट्यूबवेल अभी बनाया तो इसका खर्चा करीबन 10 लाख हो गया है ज़्यादा, फिर भी ये अनसक्सेस हुआ है क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आज वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कि स्लीपर की मदद से यहाँ पे मतलब स्लीपर खड़ा होता है नहीं होता है, तो हम देखेंगे स्लीपर की मदद से कि यहाँ पे पानी है या नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे खड़ा मतलब इसका मतलब ये होगा यहाँ के भूगर्भ में है वह वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, अब मैं ऐसे ही रिटर्न चला जाता हूँ, देखिए तो जहाँ पे पानी कम हो जाता तो श्रीफल अपने आप जो नीचे देखिए ये अपने आप नीचे गिर गया, देखा फ्रेंड्स, देखिए पूरी तरह से नीचे गिर रहा है, देखिए अब मैं आगे जाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये खड़ा हो गया, देखा तो यहाँ पे पानी है मतलब, तो कहीं कोई भी जगह आपको पानी है या नहीं है तो आप भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इलाके में सभी जगह पे पानी है, लेकिन यहाँ पे चला देखिए यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है अभी, ये देखिए ये ठीक है फ्रेंड्स ये नीचे गिर गया अभी, तो यहाँ पानी सबसे ज़्यादा है। देखिए फ्रेंड्स सामने ही अभी बोरवेल बनाया है और ये करीबन 3-4 महीने हो गए और यहाँ पे बनाने के लिए इन लोगों ने करीबन 10 लाख खर्च किया है, लेकिन क्या हुआ है कि ये बोर जो है फेल हो गए हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं इसे, और ये ट्यूबवेल है वो मतलब इसके अंदर पानी नहीं हुआ है, 10 लाख खर्च किया है फिर भी पानी नहीं हुआ है। देखिए हम सिफर भी साथ में लिया है और जहाँ पे ट्यूबवेल बना है वहीं पर जाके चेक करेंगे, अगर समझो वहीं पर खड़ा हुआ तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वहीं पे स्लीपर खड़ा नहीं होता है तो वहाँ पे पानी नहीं है, अगर पानी नहीं है तो फिर यहाँ पे ट्यूबवेल बनाने का मतलब ही क्या है, तो आप सोच सकते हो फ्रेंड्स आपको कहीं पे भी ऐसा ट्यूबवेल बनाना है अपने खेतों के अंदर गांव में तो सबसे पहला इस ट्रिक का उपयोग ज़रूर कीजिए। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप खुद करो, आप किसी भी कोई अच्छे से कोई जानकार उसे बोला हो कोई पंडित हो उसे भी बोला सकते, लेकिन एक बार आप खुद ये ट्रिक ज़रूर आजमाइए, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था जब इसका ट्यूबवेल फेल हो गया तब वो हमारे पास आए थे कि भाई ये ट्रिक है वो हमें भी यहाँ पे आके दिखाओ, तो हमने वहाँ पे जाके एक बार चेक किया था लेकिन वहाँ पे स्लीपर जो है खड़ा नहीं हुआ था, तो मैं वही चीज़ आज दिखाने वाला हूँ कि ये जो स्लीपर यहाँ पे खड़ा होता है नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे ट्यूबवेल बना है और यहाँ का खर्चा करीबन 10 लाख से भी ज़्यादा हुआ है, ये ट्यूबवेल है आप देख सकते हैं और इसका बोरिंग है वो 700 फीट तक हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या कि पानी नहीं हुआ है, तो क्या हुआ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं होगा तो खर्चा तो होगा वो सब पानी में चला जाएगा, तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो ट्यूबवेल है वो मतलब फेल हो चुका है, तो जितने भी मेहनत है वो सब बेकार है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारे पास जो स्लीपर है उसका एक बार डेमो करना है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर स्लीपर जो है खड़ा होता है नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स ये जो स्लीपर है वो अभी खड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है अभी देखो ये यहाँ जगह पे आया लेकिन कहीं पे खड़ा नहीं हुआ, तो आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी है ही नहीं,
जब पानी नहीं तो यहाँ पे ट्यूबवेल बनाने का मतलब ही क्या है? आप देखो, आप खुद देख सकते हैं इस जगह पे पानी नहीं है। आप यहाँ पे कितने भी 1000 फुट या 2000 फीट तक आप खुदाई कर लो, यहाँ पे पानी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पानी है ही नहीं भूगर्भ के अंदर। और ये जगह पे देखिए फ्रेंड्स, जब जब आगे जाए तो सिफा अपने नीचे चला जाए, क्योंकि यहाँ पे पानी साफ दिखा कि यहाँ पे पानी बिल्कुल भी जरा सा भी पानी नहीं है। देखिए बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो रहा है अभी जो सिफर है, वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर पानी है ही नहीं। जहाँ पे भूगर्भ में पानी होगा वहीं पे खड़ा होगा। फ्रेंड्स हम दूसरे इलाके में देखेंगे कि यहाँ पे मतलब सिफर है वो खड़ा होता है नहीं होता है। जहाँ पे पानी होगा तो वहाँ पे खड़ा मतलब सिफर खड़ा हो जाएगा। देखिए अभी तक तो नहीं हो रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे मतलब हाँ यहाँ पे थोड़ा सिफर है वो मतलब खड़ा हो गया। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ भी थोड़ा पानी है। देखा अब देखिए इसमें हम रिवेज पीछे जाएंगे तो क्या होता है, जहाँ पे पानी तो सिफर अपने आप नीचे गिर जाएगा अपने हाथों में। देखा फ्रेंड्स, जहाँ वहाँ पे पानी नहीं था तो आगे नीचे झुक गया, जहाँ पे पानी होगा तो वही खड़ा हो जाएगा। चलिए आगे एक बार आएंगे, एक बार फिर से देखें। देखिए ये यहाँ पे ये देखिए इस इलाके में हम पता चला लगा सकते हैं कि यहाँ पे पानी है, मतलब बस वहीं पे रुक जाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, तो हम अगर हमको देखो हमें ट्यूबवेल बनाना है तो अभी जहाँ पे मतलब ये स्लीपर खड़ा होता तो हम एग्जैक्टली वहीं पे आप नीचे एक घोर आकार में एक कुंडाला बना दीजिए, फिर वही आपको ट्यूबवेल बना। अब देखिए इस जगह से जो ट्यूबवेल बना था उसका अंतर कितना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं वीडियो कट नहीं करूँगा, डायरेक्टली बता दूँ। देखिए यहाँ से करीबन इतना अंतर है, देखिए ट्यूबवेल वहाँ बना शायद इस जगह पे बनाया होता तो शायद यहाँ पे पानी हो सकता था, क्योंकि भूगर्भ में क्या होता है कि थोड़ा सा भी मतलब अंतर हो जाता है तो पानी नहीं हो पाता है। अब देखिए इस जगह से हम वहीं पे जाएंगे फिर से, तो वहाँ पे ये सिफर इस तरह से खड़ा रह पाता है या नहीं। चलिए बिल्कुल इसी जगह पे इसी पोजिशन में हम ट्यूबवेल जहाँ पे बनाए वहीं पे जाएंगे धीरे धीरे, और ये सिफर गिर जाता है मतलब नीचे झुकता है या फिर क्या होता है। देखा फ्रेंड्स, मतलब ये जगह पे मतलब जो जहाँ पे बनाया है वहाँ बिल्कुल पानी है ही नहीं, इस जगह पे ये ट्यूबवेल बना दिया है, वो भी कितना 700 फीट तक इन लोगों ने खुदाई कर दी है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी ये सिफर खड़ा हो रहा है, तो मतलब इससे मिस्टेक क्या हुई है कि जो ट्यूबवेल जहाँ पे बनाई गई है वहीं पर ही पानी नहीं है, बाकी के आसपास के इलाके में सभी जगह पे मतलब जो सिफर है वो मतलब वो अपने आप खड़ा हो रहा है। तो मतलब ये हम सोच सकते हैं कि सभी जगह पे यहाँ पे पानी है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पर इन लोगों ने जो ट्यूबवेल बनाई है वहाँ पर ही पानी नहीं है, बाकी के आसपास के इलाके में सभी जगह पे पानी मौजूद है, क्योंकि ये सिफर हमें दिखा रहा है कि सभी जगह पे ये खड़ा हो रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर भी जाऊँगा नीचे, यहाँ पर भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे पानी है, ये खड़ा हो रहा है इससे ज्यादा। देखिए यहाँ पे पानी कम है, जहाँ पे तो देखिए मैं स्टेट रखता हूँ, जहाँ पे पानी होगा वो वहाँ पे अपने आप खड़ा, क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा है। देखा ना, तो यहाँ पे पानी ज्यादा है, शायद उस जगह से अच्छा होता है इस जगह पे बना दो, यहाँ पे पानी हो जाता है। चलिए हम फिर से वहाँ पे जाएंगे, फिर भी जाबी बनाएंगे वहाँ पे, क्या होता है देखा फ्रेंड्स, नीचे गिरे, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे बोरिंग किया गया है 700 फीट तक वहाँ पर खड़ा है, क्योंकि वहाँ पर पानी है ही नहीं। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा पीछे हटता हूँ तो शायद देखिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा था, मतलब यहाँ पे पानी है। घर पे क्या होता है कि अक्सर जहीं पे पानी होता है वहीं पे अगर बनाए तभी होगा। देखिए वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या होगा, लेकिन घर पे क्या होता है कि जो नदी होती है
जहाँ पे पानी का स्रोत होता है वही पे बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने आप गिर जाता है। देखा फ्रेंड्स कितना बड़ा लॉस हुआ, 10 लाख का लॉस हुआ है। और 10 लाख कोई ऐसे नहीं कि बहुत मेहनत से कमाए थे। फ्रेंड्स आपने देखा कि ये जो ट्यूबवेल है तो यहाँ पे मतलब पानी नहीं हुआ है। ये जगह पे सोर के आगे पीछे की जितने भी जगह है सभी जगह पे पानी है, और इस ट्यूबवेल में मतलब पानी नहीं है इस जगह पे। तो फ्रेंड आपको कोई भी ऐसा ट्यूबवेल बनाना है तो आप भी पहले इस रिफर का प्रयोग जरूर कीजिए, इसके बाद ही आप ट्यूबवेल बनाइए। आपको मतलब पूरा वीडियो में आपको दिखा, आपको समझ तो आ ही गया है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने जितने फ्रेंड्स सभी को वीडियो शेयर कीजिए।